गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे एंड अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे घरों पर, क्योंकि घर पे ही रहना है, सुरक्षित रहना है। घर से बाहर तभी निकलना है जब आपको बेहद ज़रूरी काम हो, यानी बहुत ही ज़रूरी हो, आपके नहीं निकलने से वो काम ना हो तभी घर से बाहर निकले। और घर से बाहर निकलने पे एक बात को ज़रूर ध्यान देखें कि दें कि आपके फेस जो होंगे वो मास्क से ढके होने चाहिए, नाक और मुंह, और जब भी बाहर से आए तो हाथ को साबुन या फिर किसी भी डिटर्जेंट से अच्छी तरह से धो लें। ऐसे घर में भी जब रहते हैं तो आप हर एक 10 मिनट 15 मिनट पे अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली साफ पानी और साबुन से धोते रहें, इससे आपको वायरस से बचने में आसानी मिलेगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन्स होता है हानि। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट तभी होगा जब आपने किसी चीज़ को खरीदा और उससे ज़्यादा मिल रहा हो बेचने पे, तो आपको वो प्रॉफिट मिल होता है। यानी आपने किसी सामान को खरीदा कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, यानी जिस रेट से आप वो वस्तु को खरीदें, वो उस वस्तु का होता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर उसी वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पे बेच देते हैं, यानी बेचने वाले मूल्य को सेल प्राइस बोलते हैं और हिंदी में उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो खरीदने वाले को कॉस्ट प्राइस और बेचने वाले जो मूल्य होता है, रेट होता है, उसको हम लोग सेल प्राइस बोलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के बारे में, ठीक है। इतने चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो भी चीज़ आप बाज़ार से खरीदते हैं, ठीक है, उसको खरीदने में जितना आपका कॉस्ट लगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। सपोज डेट कोई व्यापारी है, बाज़ार से लाया सामान को खरीद के, आम ही खरीद के लाया, आम का मौसम है अभी, तो कोई व्यक्ति बाज़ार से लाया आम खरीद के, उसको 30 रुपये के जी मिला, तो मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 30 रुपये पर के जी होगा। अब इस आम को वो अगर 40 रुपीज़ में बेच देता है, तो सपोज डेट 40 रुपया जो होगा वो उसका सेल प्राइस होगा। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमने लगाया 30 रुपया और उसमें हमने बेचा उसको कितने में, 40 रुपीज़ में, तो ये दोनों का जो रेस डिफरेंस होगा 40 माइनस 30, यानी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है कि क्या हुआ। तो इस केस में, मैंगो के केस में, हम पर केजी 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहे हैं। 30 का खरीद रहे हैं और 40 में बेच रहे हैं, तो इस केस में हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम अपने खरीदे हुए मूल्य से किसी कारणवश कम पे बेच रहे हैं, यानी आम में कुछ कमी आ गई, आम खरीद के लाए सड़ गया, ठीक है, या फिर आम का स्वाद खराब है, तो उसको हमें 30 से कम में बेचना पड़ा, यानी 20 में बेचें या 25 में या 28 में, जितना रुपए कम में बेचेंगे उतना रुपया हमें लॉस में लॉस होगा। यानी 30 में खरीदा था आम और उसको किसी कारणवश आम की क्वालिटी खराब थी, आम का स्वाद खराब था, तो हमने 25 रुपीज़ पर के जी उसको सेल कर दिया, तो इस केस में हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेल प्राइस बड़ा होगा, और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। ये ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो उस केस में लॉस होगा, सेल प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो अभी हमने कुछ फार्मूला बोर्ड के ऊपर लिखा है, प्रॉफिट निकालना होगा तो हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलवेज सेल प्राइस बड़ा है, जिस केस में सेल प्राइस बड़ा है उस केस में प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो कॉस्ट प्राइस में से एसपी को घटा देते हैं। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस हुआ, एसपी मीन्स सेल प्राइस, ये शॉर्ट में लिखा गया है, एसपी सेल प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के लिए हम लोग सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉस के लिए सीपी में से एसपी को घटाएंगे। सेल प्राइस का दो फार्मूला होता है, प्रॉफिट के केस में सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो रहा है किसी व्यक्ति को तो सेल प्राइस सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। लॉस के केस में से कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटाएंगे, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ये सेल प्राइस का फार्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस का भी वही उसी तरह से दो फार्मूला होगा,
प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस प्रॉफिट होगा, यानी सेल प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर लॉस हो रहा है और उस केस में हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो एसपी में यानी सेल प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फार्मूला हमने बोर्ड पे लिखा है वो आपके बुक में भी होगा, उसको याद कर लेंगे ताकि आपको बनाने में आसानी होगी। अब प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। जब प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट जितना आया उसको ऊपर और कॉस्ट प्राइस उस सामान का क्या है वो नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। लॉस के केस में उसी तरह से लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो ये हुआ कुछ फार्मूला। इसके अलावा हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जब हमें सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम हो, तो यानी हमें सेल प्राइस भी मालूम है और प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। प्रॉफिट का केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस के केस में 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस का दो फार्मूला, जब हमें एसपी या प्रॉफिट परसेंट मालूम हो या एसपी के साथ लॉस परसेंट मालूम हो तो डायरेक्ट सीपी कैसे निकालते हैं, ये दो फार्मूला से निकलेगा। लॉस के केस में 100 माइनस लॉस नीचे होगा, प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जितना हो रहा है वो नीचे होगा और एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एसपी का उसी तरह से दो फार्मूला होगा, प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 100 में ऐड कर देंगे बाई 100 और जो सीपी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। फिर एसपी अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ये कुछ फॉर्मूले थे जिसको आपको कम्प्लीटली याद रखना होगा और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको इस फॉर्मूले को लगाना होगा। ये फॉर्मूला जब याद कर लेंगे तो आपको मैथ बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए इतना कुछ जानने के बाद हम लोग जो है वो अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9B। इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस के जो है अप्लीकेशन उसको पढ़ना है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है। तो कब प्रॉफिट होता है, हमने बताया कि जब एसपी बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है और जब सीपी बड़ा होगा तो लॉस होगा। तो आपको इस बॉक्स में कंपेयर कर लेना है कि दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है, प्रॉफिट बड़ा है या एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग टू। जैसे पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस है 1,85,000 और सेल प्राइस है 2,00,000, तो सीपी से एसपी यहाँ बड़ा है, इस केस में यहाँ प्रॉफिट होगा, फर्स्ट के ए में प्रॉफिट होगा क्योंकि एसपी बड़ा है। तो एसपी में से हम लोग सीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2,00,000 माइनस 1,85,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50,000 जो होगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है सीपी 850 है और एसपी 732 है, यानी सेल प्राइस छोटा पड़ गया, तो सेल प्राइस कब छोटा होगा, जब लॉस होता है। तो बी में लॉस हो रहा है और लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला जो पहले बताए हैं वो आपका यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, सीपी है 850 और एसपी है 732। अब इसको 50 में से घटाएंगे, 8 बचेगा, 1 बचेगा, यानी 118 रुपीज जो होगा उसको लॉस होगा, ठीक है। इस तरह से बाकी भी बना लेंगे। टू नंबर में है कॉस्ट प्राइस निकालना है या फिर सेल प्राइस, ठीक है, या तो कॉस्ट प्राइस निकालना है या तो सेल प्राइस निकालना है। अब उस बॉक्स को देखिएगा जिसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है वहां पे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और जहां पे सेल प्राइस गैप है वहां से सेल प्राइस निकालेंगे। जैसे पहला में दिया है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी। सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो कि हम पहले बताए हैं। अब आपको 7,282 प्लस प्रॉफिट जो हो रहा है 208 वो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2810, 8 और 1 9, 224, यानी 7,492
रुपीज जो होगा वो इसका सेल प्राइस हो जाएगा, यानी जो भी मिसिंग है, प्रॉफिट दिया है या तो लॉस दिया है, ठीक है, हमें निकालना है सीपी या फिर एसपी। जैसे दूसरा में कॉस्ट प्राइस निकालना है, कब, जब एसपी और प्रॉफिट दिया है, तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी आपका दिया हुआ है 572 माइनस प्रॉफिट जो है वो 72, यानी कॉस्ट प्राइस था 500। ये इस तरह से आपको सेकेंड भी बाकी आप बना लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अरुण बाई ए कार फॉर, बाई मतलब होता है खरीदना, और खरीदे हुए को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। हमेशा जो खरीदा हुआ मूल्य होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो अरुण किसी कार को खरीदता है 4,46,000 और उसे सेल कर देता है, सेल मीन्स बेचना, और बेचने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड सेल प्राइस। तो इसका प्रॉफिट निकालना है। थ्री में सीपी ऑफ कार हमें मालूम है, एसपी ऑफ कार दिया हुआ है 4,46,000 और एसपी है 5,20,000। यानी एसपी जब बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे एसपी माइनस सीपी 5,20,000 माइनस 4,46,000। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जीरो में से सिक्स नहीं जाएगा, टेन में से सिक्स गया फोर, ये बचा वन, वन में से फोर नहीं जाएगा, इलेवन में से फोर गया सेवन, और ये फोर बचा तो फोर में से फोर जाएगा कुछ नहीं, यानी 74,000 उसको प्रॉफिट हो रहा है कार को बेचने में। फोर नंबर है मोहन एट सेल ए साड़ी, सेल मतलब बेचना, 1700 में बेच देता है, फॉर विच ही पेड द 2000 व्हेन ही परचेज इट, यानी जब खरीदा था तो उसको 2000 देना पड़ा था, व्हाट इज हिज लॉस। थर्ड का फोर नंबर क्वेश्चन है, साड़ी में उसे लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है साड़ी का है 2000 और सेल प्राइस जो है 1700 है, तो लॉस होगा क्योंकि सेल प्राइस छोटा है, उस केस में कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को हम लोग घटा देते हैं, यानी 2000 माइनस 1700 यानी 300 उस साड़ी को बेचने में लॉस हो रहा है। क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइव नंबर में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सिक्स में लॉस परसेंटेज निकालना है, पहले लॉस फिर लॉस परसेंटेज। फाइव में पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, फाइव का ए है, प्रॉफिट का होता है एसपी माइनस सीपी। देखिए एसपी और सीपी दोनों दिया हुआ है, 384 माइनस 320 यानी 64। अब जब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। देखिए प्रॉफिट हमने निकाला है 64 और सीपी इसका क्या है 320 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कट हो गया, 32 से 64 दो बार में कट जाएगा, यानी 10 to 20% इसको प्रॉफिट हो रहा है। ये था फाइव का ए नंबर, और सेम तरीके से आप ए के बाद बी सी डी ई एफ जितने भी क्वेश्चन है उसका सेम प्रोसेस से बनाना है, आप बना लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट के फॉर्मूला से और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला से। सिक्स नंबर है फाइंड द लॉस परसेंटेज एंड एसपी वेयर लॉस अमाउंट इज गिवन, यानी जहां पे लॉस दिया हुआ है वहां पे एसपी भी निकालना है, और जहां पे लॉस नहीं दिया हुआ है वहां लॉस निकाल के और क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। पहला है लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, इस बॉक्स में सीपी है 3650 और माइनस एसपी हो जाएगा 2920। अब इसको जीरो में से जीरो गया जीरो, फाइव में से टू गया थ्री, सिक्स में से नाइन नहीं जाएगा, सिक्सटीन में से नाइन गया सेवन,
तो ये 220 बच गया, यानी इतना इसको लॉस हो रहा है। अब हम लोग लॉस परसेंटेज निकालते हैं, यानी लॉस बाय सीपी इनटू 100। लॉस हमारा आया है 730 और हमारा सीपी है 3650 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 कट गया, 365 से ये दो बार में कटेगा, यानी 10 to 20% लॉस हो रहा है। इस तरह से आप 6 नंबर भी बाकी बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्या आप निकालना है, क्या दिया हुआ है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। बाई सेलिंग ए बाइसिकल, किसी साइकिल को 819 में बेचने पर उसे 9% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 819 में अगर साइकिल को बेचता है तो 9% का लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक द प्रॉफिट ऑफ पास 5%, किस मूल्य पे उसको बेचेगा कि उसे 5% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग सीपी का फार्मूला निकाल सीपी का निकालेंगे, कब, जब हमें लॉस परसेंटेज दिया है। तो वो हम इधर वाला जो फार्मूला बताए थे सीपी निकालने का, वहाँ से सीपी पहले निकालेंगे, फिर एसपी का फार्मूला जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तब वाला लगा के, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 8 नंबर है। रमन सेल्स टू रिस्ट वॉच फॉर 1200 ईच। रमन जो है 1200 रुपये का दो रिस्ट वॉच को बेचता है, एक पे उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे उसे 20% का लॉस होता है। व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच और व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस परसेंटेज, यानी दोनों घड़ी का हमें सेल प्राइस मालूम है। इसको हम बनाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। एसपी ऑफ वॉच फर्स्ट 1200 ऑन विच वन ही गेन 20%, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है, गेन मीन्स प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट इसका है 20। यहाँ से इसका एससीपी निकालेंगे, पहला का एसपी ऑफ सीपी ऑफ वॉच फर्स्ट। सीपी का फार्मूला होता है कब, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो क्या होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। सौ प्लस 20 यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है, कब हो रहा है, कितने में बेचने पे, तो 1200 में बेचने पे। 100/120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1200। ये 10 बार में कट गया, यानी पहले वॉच का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। सेकंड में एसपी ऑफ सेकंड वॉच या फिर वॉच सेकंड, वहाँ भी 1200 है क्योंकि दोनों को सेम रेट में बेच रहा है, और यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%। तो यहाँ भी सीपी निकालेंगे वॉच का, सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। 100/100 माइनस 20 इनटू 1200 80 इंटू 1200। 10 से 10 कट गया, 8 से कटाएंगे 1, यानी 15 बार में, यानी 1500 दूसरे का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। पहले वॉच को उसने खरीदा था 1000 में, तो 20% के प्रॉफिट से 1200 में बेचा, दूसरे को वो 1500 में खरीदा था और 20% लॉस के साथ उसको 1200 में बेचा। तो टोटल एसपी और टोटल सीपी अब निकालेंगे, ठीक है। दोनों वॉच का एसपी जो होगा, टोटल सेल प्राइस ऑफ टू वॉच इक्वल टू 2 × 1200, यानी 2400 में दो वॉच को बेचा, खरीदा था कितना में, टोटल सीपी ऑफ वॉच, एक का 1000 हमने निकाला है, दूसरे का 1500, यानी वो
2500 में खरीदा था, अब इस केस में बेचा है 2400 में और खरीदा है दोनों वॉच को 2500 में। अब इस केस में उसको लॉस होगा क्योंकि सीपी बड़ा है, तो पहले लॉस निकालेंगे और फिर लॉस परसेंटेज, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ये पहले आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको, और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी है 2500 और एसपी है 2400, यानी 100 रुपये का लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंटेज निकालना था, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100 होता है, लॉस है 100, सीपी है 2500 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4% का उसे लॉस हो रहा है। दोनों घड़ी को बेचने में उसे 4% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन था कि एक वॉच सेलर जो है घड़ी बेच, नहीं रमन है, अपने दो घड़ी को बेचता है 1200 रुपया में इंच, यानी 1200 में दोनों को बेचता है। एक घड़ी पे बेचने पे उसको 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे घड़ी को बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज और सेल प्राइस और लॉस परसेंटेज से दोनों घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो दोनों घड़ी का हमने बारी बारी से निकाला, पहला का 1000 रुपीज़ आया कॉस्ट प्राइस और दूसरे का आया 1500। दोनों को ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस को, तो वो सेल प्राइस से बड़ा हो जाता है, इस केस में हमें लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। 9 नंबर है, लीला सोल्ड हर गोल्ड नेकलेस एट द प्रॉफिट ऑफ 7%, इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर 294 मोर, सी वुड गेट 10% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी 7% लॉस पे वो बेचती है, तो यानी उस अपने नेकलेस को 7% के प्रॉफिट में बेच रही है, अगर उससे वो 294 में ज़्यादा में बेचती, यानी जितना में बेच रही है और 294 रुपये ज़्यादा में बेचती, तो उसको वहाँ पे 10% का प्रॉफिट होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। इस केस में हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। जहाँ पे अननोन क्वांटिटी है, मालूम ही नहीं है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ नेकलेस इक्वल टू एक्स रुपीज, नेकलेस का एक्स रुपीज है 7% प्रॉफिट के ऊपर, एसपी जो होगा वो क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी, तो 100 प्लस 7 बाई 100 इंटू एक्स इजकल टू 107x बाई 100, ये हो गया 7% प्रॉफिट के साथ एसपी। लेकिन जब 10% प्रॉफिट के साथ एसपी निकालेंगे, 10% प्रॉफिट के समय एसपी जो होगा वो होगा 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, यानी 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू एक्स, यानी 110x बाई 100, यानी 7% प्रॉफिट के ऊपर एसपी जो होगा वो 107x बाई 100 रुपीज होगा, और 10% प्रॉफिट के साथ जब एसपी निकालेंगे तो इतना रुपीज होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इससे कितने ज़्यादा में बेचता, यानी इसमें क्या जोड़ दें इसके बराबर हो जाए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इसमें 294 अगर ऐड कर देते हैं तो इसके बराबर वो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 107x बाई 100 प्लस 294 इजकल टू 110x बाई 100, ये जो सेल प्राइस है इसमें 294 और जोड़ देंगे तो इस सेल प्राइस के बराबर हो जाएगा। 294 को इधर ही छोड़ दीजिए, 110x बाई 100 माइनस 107x बाई 100, इधर का ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, 100 को एलसीएम लेंगे तो 110x माइनस 107x,
294 3x बाई 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा 294 इंटू 100, ये 100 ऊपर और 3 नीचे, 3 से इसको कटा देंगे, 3 9 27 और फिर 3 8 24, यानी 9800 जो था वो नेकलेस का कॉस्ट प्राइस था। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम था, ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया। अब पहला केस है कि 7% प्रॉफिट के साथ अगर बेच रहा है तो उसे 7% प्रॉफिट हो रहा है और बेच रही है तो इतना में बेचेगी उसको। दूसरा केस है कि अगर 10% प्रॉफिट के साथ वो बेचती है तो इससे ज़्यादा उसको कितना रुपया मिल रहा है, 294 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है, यानी 7% पे बेच रही है और 10% पे बेच रही है, दोनों में डिफरेंस जो है वो 10% वाला 7% वाले प्रॉफिट से 294 ज़्यादा है। तो हम पहले 7% पे एसपी निकालेंगे और फिर 10% पे भी एसपी निकाल लेंगे। दोनों एसपी को निकाल लिया, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7% वाले एसपी के साथ अगर इतना जोड़ देते हैं तो 10% एसपी के बराबर होगा और वहां से सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू 9800 होता है जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस माना हुआ है नेकलेस का। तो इस तरह से इस चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया 9 तक। बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा क्योंकि वो इसी तरह से बनेगा और इसी फॉर्मूले से बनेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर से हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बता दें, ठीक है। कोशिश करना है कि खुद से बना लें, इतने क्वेश्चन के बाद, इतना बनाने के बाद आपको समझ में आ गया किस प्रोसेस से बनाना है, आप खुद से बना सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका होमवर्क रहा, जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो होमवर्क का के रूप में आपके पास है। इसके बाद 1, 2, 5 और 6 का हमने एक एक दो दो क्वेश्चन बनाया है, बाकी सब आपका होमवर्क है। तो जैसे ही वीडियो जाता है आप होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से ही पढ़ाई करें। आजकल जब तक कि कोई भी वैक्सीन नहीं निकल जाता, जब तक कि भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं चालू होता है, स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं, तो यही एक साधन है आपको पढ़ने का, जो घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत जितना भी आप प्रयास करेंगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 100% नहीं, 80% ही पढ़िए, लेकिन घर से ही रह के पढ़िए, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अटेंडेंस बनाना कभी ना भूलें। जैसे ही वीडियो जाता है वीडियो में अटेंडेंस ज़रूर बनाएं, ठीक है, धन्यवाद।